गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लोज टू हिमालयस। तो आज है सैटरडे, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएं। तो अब हम जा रहे हैं विंसर महादेव, सोनी विंसर, जो रानीखेत से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी आपने इंट्रोडक्शन में सुना ही होगा, तो वो जो इंट्रोडक्शन था वो दिया था श्री ने। श्री से हाय। और हमारी निवी है, इधर बैठी है। कहाँ है निवी? वो भी आएंगी जल्दी इंट्रोडक्शन। हम अगले इंट्रोडक्शन निवी से कराएंगे अगले व्लॉग में, और वो भाभी हैं। तो आज हम सबकी छुट्टी है हरेले की, तो हमने सोचा घूम के आते हैं शाम को। बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद अब हम निकले हैं सोनी विंसर के लिए। और ये देखिए बारिश, और ये देखिए रास्ते में पूरी बारिश है। देखते हैं वहां जाके बारिश होती है या नहीं, कैसा होता है। चल तो दिए हम घर से, पता चला गाड़ी में वापस आना पड़ा तो हो गया। और ये हम पहुंच चुके हैं साड़ीखेत की मार्केट में, और देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। पता नहीं हम मंदिर कैसे जाएंगे अब। तो अभी बारिश रुक चुकी है, तो आई होप अब हमें थोड़े अच्छे दर्शन हो जाएंगे, बाकी देखते हैं अभी। और हम पहुंच चुके हैं सोनी, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक तो बारिश हो रही है ऊपर से, तो इसलिए यहाँ पे ना बहुत ग्रीनरी है। आजकल पहाड़ों में हर जगह ग्रीनरी मिलेगी आपको, आप कहीं भी जाओगे तो। रामनगर को ये वाली जो यहाँ से लेफ्ट को कटी है, और हम सीधे जा रहे हैं विंसर महादेव को। ये जो नीचे आपको दिख रही है ये सोनी की बहुत बड़ी नर्सरी है, जिसका एंट्रेंस गेट है यहाँ से। अच्छा ये विंसर महादेव स्वर्ग आश्रम, विंसर महादेव ये इसका एंट्रेंस गेट है। बहुत पीसफुल जगह है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। चुके हैं विंसर महादेव मंदिर। यहाँ पर मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, बट शादी से पहले मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, 2-3 बार। हम लोग ट्यूशन से पिकनिक में आते थे, और ये पीछे यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाते थे, लकड़ियाँ जंगल से लाके यहाँ पे खाना बनाते थे और खाते थे। और ये वो जगह है, तो यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक मेमोरी है पुरानी, तो मैं वो बताऊँगी नहीं। बट अगर मेरे दोस्त प्रीति और कौन कौन थे उस दिन, सिद्धार्थ और मीनू मोनिक, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग समझ जाओगे। चूड़ी ले गया चूड़ी। तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ से, अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत यहाँ बहुत शांति है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। बिल्कुल चारों तरफ जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर है विंसर महादेव, और बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। तो हमने अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे पार्क, बहुत स्पेस है पार्किंग की। और ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट, तो अभी हम जहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे अभी भाभी और जगदीश वगैरह सब प्रसाद। ये बहुत ही सही जगह पे यार, बहुत शांति है आपको। और आपको बताऊं तो यहाँ पर एक विद्यापीठ भी चलती है, जहाँ पर संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती है। और ये यहाँ इसका फ्रंट है मंदिर का। यहाँ पर मई में एक मेला लगता है, जो बहुत फेमस मेला माना जाता है, बहुत पुराना मंदिर है।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हमने बिल्कुल भी फोटोग्राफी नहीं करी अंदर, रूल्स हैं। और आप अंदर घंटी नहीं बजा सकते, घंटी आपको सिर्फ और सिर्फ आरती के टाइम पे ही बजानी है। तो सारी घंटियाँ बजी हुई है। थर्ड जो प्रसाद है जो आप ले जाओगे प्रसाद, वो आप ऐसे हर मंदिर में नहीं डाल सकते हो। अंदर एक कुटिया है, वहाँ एक बाबा जी बैठे होते हैं या पंडित जी बैठे होते हैं, आप उनको प्रसाद दो, वहाँ से आपको टीका लगाएंगे बबूती टाइप में, और वहीं से आपको प्रसाद भी देंगे एक एक कुड़िया। मगर आप जब भी आओ तो प्रसाद ऐसे ही मत चढ़ा देना हर किसी मंदिर में, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ एक कुटिया है, वहाँ पे जाके आप पहले सारे मंदिरों के दर्शन कर लो, लास्ट में वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा दो। अब हम आ गए हैं बाहर और बहुत ही शांति है यहाँ, बहुत ही मतलब बहुत शांति है इस मंदिर में, बिल्कुल आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति है। तो गाइज अगर आप ये देखोगे ना पूरा व्यू, पूरा जो फॉरेस्ट का व्यू है बहुत ही प्यारा है यार। आप यहाँ पे आके ना मतलब पिकनिक वगैरह कर सकते हो, हम तो करते थे पहले ऊपर भी स्कूल टाइम पे, और यहाँ पे भी कर सकते हो आप कुकिंग वगैरह भी कर सकते हो जंगल पे। यहाँ पे बहुत मस्त है यार, पूरा देवदार का जंगल है। तो शिविर जी कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा। और भाभी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ज्योति, ज्योति पहली बार आ रही है हमारे साथ यहाँ? पहले आ चुकी हूँ, मतलब हमारे साथ पहली बार आ रही है। हाँ तो गाइज ये पूरा व्यू बहुत मस्त है, पीछे का आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि मई में एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है यहाँ का पूरे लोकलाइट का। और अगर आप कभी यहाँ का जो अगर मेले का एंजॉय करना चाहते हो तो आप मई में आ सकते हो। मुझे डेट कंफर्म नहीं, आई थिंक 16 मई के आसपास यहाँ का भंडारा हो जाता है, तो उससे पहले ही लगता है गर्मी से जस्ट स्टार्ट होने से पहले। अभी हम वापस निकल रहे हैं रानीखेत के लिए, अपने घर के लिए वापस। अब लग गई है भूख और कुछ खाते हैं अभी। क्या खाओगे बच्चों? बच्चों भूख लग गई है, मैगी। और फिर और वो लोग आते हैं जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है। तो गाइज ये है फ्रंट का व्यू मंदिर का, सामने से बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर रुक गए जैसे ही मंदिर से ऊपर चढ़े, क्योंकि यहाँ पर ना एक फोटो के लिए मस्त सी जगह मिली है, कुछ फोटो खींचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। शूट हो चुका है, अभी हम निकलते हैं रानीखेत के लिए। पहले रास्ते में कुछ खाते हैं, अपने मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को हमारी शिवी आगे बढ़ाते हुए। शिवी जाओ, गाड़ी वाला आया घर से कर रहा है निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कर रहा है निकाल। तो गाइस सामने देखो पूरे जो बादल नीचे आ चुके हैं ना, अभी जो ऊपर को उड़ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अभी उत्तराखंड में टूरिस्ट को आने के लिए कौन सा गाना सुनाओगे? तो ये पूरा ऑर्गेनिक फूड है अपना पहाड़ का, अपने कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई कुछ नहीं। राजू शिमला मिर्च दो, शिमला मिर्च कैसी थी? 40 रुपए। नमकीन मतलब मिक्स, मीठी और नमकीन दोनों मिक्स। सिर्फ मैगी खाने से काम नहीं चलता, और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए पहाड़ों में। जैसे जैसे हम ट्राई कर रहे हैं सिकन जी। भाई कितने ग्लास है? 20 रुपए ग्लास। लो अभी थोड़ा शीशा चढ़ाऊंगा ना आपको, तो यहाँ से लो। थैंक यू। मस्त। तो आप लोगों ने सिकंजी पी ली, भाभी सिकंजी कैसी थी? मस्त। जो भी सिकंजी कैसी थी? अच्छी थी, मुझे बस थोड़ा मीठा कम लगा, बट इट वाज नाइस। तो सिकंजी कैसी लगी आपको? अच्छी। तो गाइस रोड पे देखो कैसी धुंध लगी हुई है, फॉग। और हमारे पहाड़ में हॉल, हॉल बोलते हैं उसको हमारे पहाड़ में।
सब्जी दे देना। पेड़ देना पेड़। कौन सा पेड़ देना? कौन सा पेड़ देना? हम जाएंगे घर, खाएंगे खाना चुपचाप। तड़केत में मोमोज खाने के लिए और चाउमीन खाने के लिए। कौन कौन मोमोज खा रहे? चाउमीन कौन कौन फिक्स करते हैं? अभी गरम हुई। कैसे? है ना? अभी कैसे? खाओ फिर। चलो तो गाइस हम खाते हैं। सलकापुर का स्नैक के बाद अब हम निकल रहे हैं रानीखेत को वापस, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, 7 बज गया और पहाड़ों में आपको पता कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस अब हम घर पहुँचने वाले हैं। आई होप आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा एक हमारी छोटी सी आउटिंग थी आज फैमिली। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय।